पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कांट रोड पर सिद्ध हॉस्पिटल के पास मंगलवार को नाला सफाई अभियान के दौरान युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने पहचान न होने पर शव मोर्चरी में रखवा दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही मृतक की पहचान हरतला के विद्यानगर निवासी ब्रजेश सैनी के रूप में हुई। वो 22 दिन से घर से लापता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। मेरा नाम सरिता है। यहाँ पर शव मिला, कहाँ की घटना? ये नाले में से हम सफाई करा रहे थे, उस टाइम पे ये कचरे के साथ में निकला है। कौन सा हॉस्पिटल में मिला? ये दरगाह के सामने मिला है, सामने। पुलिस को सूचना दे दी गई है? पुलिस हमारे साथ ही थी। कोई पहचान वगैरह है कुछ? नहीं, अभी आइडेंटिटी हुई नहीं है। जब लेके जाएंगे इसमें से कुछ, अगर कुछ बरामद होता है उसके बाद में शिकायत होगी कि कहाँ कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।